नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था, मगर सेशन एक दिन पहले 21 सितंबर को ही खत्म हो गया। स्पेशल सेशन पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल और नई संसद के नाम रहा। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल नई संसद में पेश और पास होने वाला पहला बिल बन गया है। और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है, जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में विजिलेंस कंप्लेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये देश में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन पोर्टल है जो भ्रष्टाचार पर शिकायतों से निपटने और निगरानी में पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ तुरंत कार्रवाई में मदद करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए सक्सेना ने कहा कि VCIMS एक एकल विंडो पोर्टल के रूप में काम करेगा, जो आम आदमी को दिल्ली सरकार, NCD, NDMC, DDA, दिल्ली पुलिस और अन्य स्वायत्त संगठनों और संस्थानों के कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी समय सतर्कता शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा। साथ ही ये पोर्टल ब्लैकमेलर्स की परेशान करने वाली शिकायतों पर भी रोक लगाएगा। LG ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि देश में अपनी तरह की ये पहली पहल सरकार और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने वाली आम जनता के बीच फेसलेस इंटरफेस सुनिश्चित करके भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित होगी। आज इस पोर्टल के लॉन्च होने से भ्रष्टाचार के खिलाफ उन प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो गंभीर या महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रणाली में शिकायतकर्ता की पहचान शुरू से लेकर अंत तक गोपनीय रखी जाएगी, जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ प्रकट किया जा सकता है। भारतीय पहलवान अंतिम पंगल ने भारत को ओलंपिक 2024 के लिए रेसलिंग का पहला कोटा दिला दिया है। सर्बिया में चल रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीत लिया है। ये चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन का पहला मेडल भी है। अंतिम के 53 किलोग्राम कैटेगरी के ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्वीडन की एमा जोना डेनिस को 16-6 के अंतर से हराया। इस कैटेगरी का फाइनल शुक्रवार को खेला जाएगा। अंतिम वही पहलवान है जिन्होंने नेशनल ट्रायल जीतने के बाद भी एशियन गेम्स के लिए स्टैंड बाय में रखा गया था और जिनकी जगह विनेश फोगाट को बिना ट्रायल दिए ही एशियाड की टीम में चुन लिया गया था। हालांकि विनेश विदेश में ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गई और टीम में अंतिम को मौका मिला। 19 साल की अंतिम पंगल ने अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन को हराया था। उन्होंने अमेरिका की डोमिनिक ओलिविया पेरिस को पहले मुकाबले में 3-2 के अंतर से हराकर अगले राउंड में एंट्री की। दूसरे राउंड में अंतिम ने पोलैंड की रोक्साना माटाजसिना को टेक्निकल सुपीरियोरिटी के आधार पर हराया था। वहीं क्वार्टर फाइनल में उन्होंने रूस की नैटली को 9-6 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अंतिम को सेमीफाइनल में बेलारूस की वेनेसा के खिलाफ 5-4 के अंतर से करीबी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अंतिम को ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज कर ओलंपिक कोटा भी बुक किया। टेक दिग्गज गूगल ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। गूगल ने अब अपने जीमेल से लेकर यूट्यूब, मैप्स और ड्राइव तक में AI चैटबॉट गूगल बार्ड का सपोर्ट दे दिया है। अब गूगल के यूजर्स गूगल की सभी एप्लीकेशंस में AI चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकेंगे। पिछले कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चल रहा है। अब इसी कड़ी में गूगल ने जीमेल, मैप्स, यूट्यूब के लिए AI चैटबॉट
बार्ट लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने के पीछे का कारण है कि ये ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से होने वाले खतरों को दूर करना चाहता है। इसे मंगलवार को लॉन्च किया गया है। बताते चलें कि अभी इसे केवल अंग्रेजी एक्सटेंशन से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यूजर्स को चैटबॉट को अपने जीमेल अकाउंट में एम्बेडेड जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ गूगल मैप से दिशा निर्देश लेने और यूट्यूब पर उपयोगी वीडियो ढूंढने की अनुमति देगा। ये एक्सटेंशन बार्ट के लिए गूगल फ्लाइट से यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करने और गूगल ड्राइव पर जो भी डाटा होगा उसे जानकारी भी निकाल सकेगा। गूगल ह्यूमन रिव्यूअर को बार्ट को जीमेल या ड्राइव से मिलने वाली संभावित संवेदनशील जानकारी को देखने से भी रोकेगा। इसे यूजर्स की प्राइवेसी भी बचाई जा सकेगी, यानी यूजर से जुड़ी जो भी सेंसिटिव जानकारी होगी वो हमेशा सेफ रहेगी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं। नमस्कार।